हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि मुंगनी राम बंगूर मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज. दिस इज शॉर्ट फॉर्म एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज. डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस सेशन 2021, बिकॉज ऑलमोस्ट सारा का सारा साल चला गया है. अभी एंड मोमेंट चल रहा है, एंडिंग मोमेंट, महासंग्राम जिसे आप बोल सकते हो. स्पेशली अगर बच्चों को लोअर ब्रांचेज मैकेनिकल भी मिल जाए, इलेक्ट्रिकल भैया ईसीई भी मिल जाए तो भी चलेगा, बस एमबीएम में मिल जाना चाहिए. मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा हमारे एमबीएम में क्या खास है, लेकिन इतनी ज़्यादा अप्रोच है बच्चों की एमबीएम के लिए. एमबीएम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एमबीएम में चाहिए किसी भी हाल में. कुछ बच्चों को बीटीयू के अंदर सीएससी मिला है, अजमेर में सीएससी मिला है, सीटीई के अंदर लोअर ब्रांचेस मैकेनिकल वगैरह मिल रहा है, ईसीई मिल रहा है, लेकिन उनको एमबीए में चाहिए. अगर उनको एमबीए में ईसीई मेटलर्जी भी मिल रहा है तो भी चाहिए, लेकिन चाहिए तो एमबीएम के अंदर ही चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन बात करते हैं कि तुम्हें कैसे मिल सकता है एमबीएम के अंदर. कुछ सीट्स अभी वैकेंट है, सीएससी के अंदर भी है, ईसीई में भी है, मैकेनिकल में भी है, प्रोडक्शन में भी है, माइनिंग में भी है. सो कैसे मिल सकता है, क्या प्रोसेस रहेगा, स्पॉट एडमिशन क्या होता है. तो सबसे पहले उन बच्चों को बता दूं कि कुछ सीट्स जो लेफ्ट कर दी है, जैसे कुछ बच्चे थे यूपी से, दो तीन बच्चे थे, ठीक है, ये तो गारंटेड बोल सकता हूँ. सीएससी के अंदर 3 सीट तो मैंने ही निकाली है. ओके स्टूडेंट, तो सीएससी में भी कुछ सीट्स वैकेंट है, इसी में भी है, मैकेनिकल में भी है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांचों के अंदर. मान लो मिनिमम एक एक सीट तो मान ही लो तो 5 सीट तो हो जाती है. ओके, तो एटलीस्ट आप मान सकते हो 18-19 सीट्स. तो वो सीट्स जो है उनकी जो फिलिंग होगी यूनिवर्सिटी लेवल पे होगी. रीप की वेबसाइट पे भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं रीप की वेबसाइट पे. स्टूडेंट्स, रीप की वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन कैंसिलेशन. अगर किसी बच्चे को एडमिशन कैंसिल करना है, जैसे कोई बच्चा एक्स है, उसको बीटीयू के अंदर कोई सीएससी ब्रांच मिली हुई है, अगर उसको एमबीए में चाहिए तो वो यहाँ पे जो सीट्स है, अगर उसको एमबीए में मिल जाता है तो 25 तारीख अपना एडमिशन कैंसिल कर सकता है. ये जो बच्चा कैंसिल करेगा, ये जो एडमिशन है स्पोर्ट के जरिए भरी जाएगी फिर सीट. फिर नया नीचे एक नोटिफिकेशन चल रहा है कि जो भी सीट्स वेकेंट रही है, जो बच्चे सीट छोड़ के चले गए, जिन बच्चों ने फीस पेमेंट नहीं किया, उनकी जो सीट्स है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एडमिशन कर सकती है. तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा यार, यूनिवर्सिटी कैसे फिल करेगी, क्या यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे हम पैसे वगैरह दे के कुछ ऐसे एडमिशन कर सकते हैं क्या, इसका प्रोसेस है? तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो भी सारा सीन है ऑनलाइन होगा, ठीक है. जस्ट जो भी सारा प्रोसेस होता है, सारा का सारा आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं. ये जो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इससे एफिलेटेड है. तो जो भी सारा प्रोसेस रहेगा आप यहाँ पे चेक करते रहे, यहाँ पे एक नोटिस आ जाएगा रिगार्डिंग एडमिशन के. वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेगा कि जस्ट आपको एक तो रजिस्ट्रेशन का होता है ऑनलाइन डायरेक्ट, जहाँ पे आपको कुछ पैसे देने होते हैं, 500, 600, 700, 800, 1000, 200, 1010 जितने भी होते हैं, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है. अपनी जेई की रैंक है, फिर अपने 12th percentile है वो डालने होते हैं, और उसके बाद आपको जो भी अपनी चॉइस लॉक करनी होती है. तो इस लॉक करने के बाद आपको जस्ट मेरिट लिस्ट आती है. मेरिट लिस्ट आने के बाद दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं. कोविड का सारा सीन खत्म हो चुका है, अब 99% चांसेस यही बनते हैं कि आपकी जो भी काउंसलिंग होगी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी. भैया ऑफलाइन काउंसलिंग में कैसे होगा? तो यार ऑफलाइन काउंसलिंग के अंदर ऐसे होते हैं कि अगर तुम्हारे 12th percentage क्राइटेरिया अगर अपन रखते हैं, तो यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि अगर आपके 12th के अंदर 95+ है तो आपको फर्स्ट 2 घंटे तक आप रिपोर्ट कर सकते हो. यानी कि अगर यूनिवर्सिटी 10 बजे से स्टार्ट कर रही है, तो जिन बच्चों के 95+ है वो बच्चे सुबह 1 घंटे में रिपोर्ट करेंगे, यानी कि 10 से 11 बजे तक सबसे पहले जिनके 95+ है वो आएंगे. जिनके 90+ है वो बच्चे 11 से 12 आएंगे. जिनके 80+ है वो बच्चे 12 से 1 बजे तक आएंगे. जिन बच्चों के 70+ है, अगर सीट्स वेकेंट रहती है, तो वो जस्ट 1 से 2 बजे तक आएंगे. और जिन बच्चों के 70 से भी कम है, अगर सीट्स वेकेंट रहती है, तो वो जस्ट 2 से 3 बजे तक आएंगे. तो सबसे पहले मौका इन बच्चों को दिया जाएगा जिनके 95+ है, जिनके 90+ है, जिनके 80+ है, इस हिसाब से दिया जाएगा. अब दूसरा अगर बेसिस ये हो सकता है, अगर तुम्हारी जस्ट काउंसलिंग होती है, तो जस्ट तुम्हें बुलाया जाएगा कि जिन बच्चों की रैंक जो है वो 1st से लेकर 20 तक है वो पहले रिपोर्ट करें, फिर जस्ट 20 से 40, 40 से 100, ऐसे इस हिसाब से क्राइटेरिया होता है ऑफलाइन का.
पहले आपको गूगल फॉर्म या फिर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है, जैसे आपकी रैंक आएगी उसके बेसिस पे ये सारा सीन बनता है एडमिशन का। अगर अपन बात करें जस्ट पिछले सेशन की, तो आरटीयू कोटा के अंदर सेम सीन हुआ था। पहले गूगल फॉर्म भराया गया था बच्चों से, फिर उनकी लिस्ट आई, पीडीएफ आया वेबसाइट पे, वेबसाइट पे पीडीएफ आने के बाद आपको वहाँ पे अपनी रैंक दिखाई गई कि तुम्हारी ये रैंक आई है। दूसरे दिन जो भी 2-3 दिन होते हैं उसके अंदर बच्चों को बुलाया गया कि आपको इस तारीख को आना है यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑफलाइन रिपोर्ट करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर, जो बैंक है वहाँ से बच्चों का चालान भराया गया 250 रुपए का। उसके बाद जो स्पॉट एडमिशन कंडक्ट किया गया, बच्चों को सीट दी गई। इसी प्रकार से एमबीएम के अंदर हुआ था, जिसके अंदर कुछ चार्जेस देना हुआ था एटलीस्ट 300 रुपए का। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, चॉइस लॉक करनी पड़ी, जो सारा नोटिस आया था जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है जिससे कि एमबीएम एफिलेटेड है, इसके वेबसाइट पर सारा का सारा पोर्शन अवेलेबल होगा। तो आप जैसे इस पर विजिट करते रहे और जैसे अपना एक अच्छा कॉलेज सीट सिक्योर करे। जिन बच्चों को सीट चाहिए ही चाहिए एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, वो मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। कोई भी प्रोसेस फ्री नहीं है, ठीक है, सारा पेड है, लेकिन हाँ गारंटेड सीट मिलता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।